हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। और मूवी शूवियंस यानी मेरे सब्सक्राइबर्स को पता है कि हम काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन करते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल मूवी शूवी, वहाँ भी करते रहते हैं कि मैं टर्मिनेटर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और टर्मिनेटर के कोई भी ऐसी मूवी आती है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आता है जहाँ पर ह्यूमंस वर्सेस मशीन की कहानी हो जाती है और मशीन इस तरीके की हो वो ह्यूमन जैसी दिखती हो, तो मेरे ना बिल्कुल ही कान खड़े हो जाते हैं। वो बोलते हैं यार ये चीज़ ज़रूर देखनी है। तो जो मैंने मदर एंड्रॉयड का ट्रेलर देखा, जो कि नेटफ्लिक्स पर आज रिलीज़ हुई है, साईफाई थ्रिलर है जहाँ पर रोबोट्स जो होते हैं, रोबोट्स बोलें कि एआई बोले, एआई वुड द बेटर टर्म, तो एआई जो है वो थोड़ा सा बौखला जाता है और कुछ स्काईनेट जैसी चीज़ें ग्लिचेस आ जाते हैं जहाँ पर ह्यूमंस ने बनाया तो रोबोट को अपनी सेवा के लिए, और बोलते हैं कि भैया हमारे नौकर बन के रहो, बट ये नौकर बोलते हैं हम नौकर रहेंगे नहीं, और वो रिटेलिएट करते हैं और रिटेलिएट करने के बाद ह्यूमंस के ऊपर ही कब्जा कर लेते हैं। और इसी दौरान हमें कहानी दिखती है सैम और जॉर्जिया की, किस तरीके से वो बच के निकलते हैं, बच भी पाते हैं कि नहीं बच पाते हैं। और जो इसका नाम है मदर एंड्रॉयड, एक्चुअली मैं इसको मदर एंड्रॉयड नहीं बोलना चाहिए था, मदर वर्सेस एंड्रॉयड बोलना चाहिए था, कुछ इस तरीके का इसका नाम होना चाहिए। नामकरण में भी थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि जिस तरीके की मूवी ये शेपअप होती है, इट्स बेसिकली द मदर, बेसिकली जॉर्जिया और एंड्रॉयड के बीच की ही कहानी है कि किस तरीके से एंड्रॉयड्स ह्यूमंस के बनाए हुए ह्यूमंस की तरह ही सोचने लग जाते हैं, उनसे ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं, नॉन टायरिंग हो जाते हैं जहाँ ह्यूमंस टायर कर जाते हैं। तो क्या उनके ऊपर ये विजय प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या ह्यूमंस इमोशंस जो हैं वो इतनी स्ट्रांग होंगी कि वो उनका एक विनिंग एस्पेक्ट होगी, यही सब चीज़ें आपको डिस्कवर करनी होती हैं। और कहीं ना कहीं डायरेक्टर साहब ने एक चीज़ करी है, क्योंकि ये मूवी करीबन 2.25 घंटे की है, कि जो अदर एलिमेंट्स को भी यूज़ किया गया है, जी उनको सर्वाइव करके एक सेफ जगह पे पहुंचना है इन दोनों को, जॉर्ज और सैम को, जॉर्जिया और सैम को। और बट इसके साथ ही जो उनका रिलेशनशिप दिखाया गया है, क्योंकि जॉर्जिया जो है वो प्रेग्नेंट है सैम के साथ ही है, दे आर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, दे आर स्टिल एक्सप्लोरिंग ईच अदर, ये जो जर्नी के अंदर जो टफनेस आती है, जैसे वो टीम अप होके एक दूसरे से बचते हैं और जो उनको एक फैमिली और एक जो पार्टनर वाली फीलिंग आती है, कैसे वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, तो वो आपको काफ़ी अच्छा एक लेसन देती है। क्योंकि बहुत सी बार ही आपको ऐसा लगता है कि कोई किसी का बच्चा पैदा कर रहा है छोटू से, तो फिर तो रिलेशनशिप बन गया, बट क्या वो डीप बॉन्ड है कि नहीं है। वो डीप बॉन्ड आपको यहाँ पर सैम और जॉर्जिया के बीच में नज़र आता है जब वो सर्वाइव कर रहे होते हैं, और किन सर्कमस्टेंसेज में उनको सर्वाइव करना होता है और क्या क्या करते हैं एक दूसरे के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट है। बट इन बिटवीन क्या होता है कि जो जर्नी दिखाई गई है उनके सर्वाइवल की, या फिर एक जगह पर वो एक मिलिट्री कैंप में भी जाते हैं, वो थोड़ी बेतुकी मेरे को लगती है, क्योंकि जो कुछ वहाँ होता है और जो चॉइसेस ये लोग लेते हैं, और स्पेसिफिकली मिलिट्री ग्रुप के अंदर भी जो चॉइसेस लेते हैं, वो थोड़ी सिली हो जाती हैं, कई बार इनह्यूमन भी हो जाती हैं, इलॉजिकल भी हो जाती हैं। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में इस तरीके की चॉइसेस नहीं होती हैं, और कुछ चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी जो थोड़ी कन्वीनियंट होगी और फिर बहुत ज़्यादा ग्रूसम हो गई, क्योंकि जब ये दोनों जा रहे होते हैं सर्वाइवल के लिए, कुछ चीज़ें बहुत कन्वीनियंट हो जाती हैं इनके लिए, बाइक वगैरह एक आधी बुक वुक मिल जाती है इनको, बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, और एंड में बहुत ज़्यादा ग्रूसम भी हो जाती है। क्या उस ग्रूसमनेस की ज़रूरत थी, क्रुएलिटी की ज़रूरत थी, आई डोंट नो, मतलब दे कुड हैव लेफ्ट इट एट अ स्लाइटली न्यूट्रल नोट, बट एंड में थोड़ी सी क्रुएलिटी टाइप भी है, पता नहीं आप देखना, आपको फिर हम इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। क्या वो एक बेहतरीन एंडिंग है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि एंडिंग इस तरीके की रखी गई है कि हम इसका पार्ट टू भी बनाएंगे, उस तरीके की एंडिंग के लिए इस तरीके का ग्रूसमनेस दिखाई है, मुझे ऐसा लगता है। बट देखो आप, वो कईयों को काफ़ी अच्छा ट्विस्ट लगेगा, कईयों को लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंट्स डालने के लिए और पार्ट टू बनाने के लिए शायद इसको रखा गया, बट यू ऑल्सो सी एंड देन वी विल हैव अ डिस्कशन। ओवरऑल मूवी इतनी बुरी नहीं है, ठीक ठीक है, ओके ओके मूवी, देखी देखी, नहीं देखी ना देखी, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं देखोगे तो आपके जीवन में कुछ मिस हो जाएगा। यू हैव सीन बेटर वर्जन्स, टर्मिनेटर 2 दोबारा देख लो, इट हैज़ गॉट मशीन एज वेल, हाई ऑन टेक्नोलॉजी एज वेल, एंड लोड्स ऑफ इमोशन। यहाँ पर इमोशन की जो मेरे को कमी लगी बियॉन्ड दीज टू कैरेक्टर्स सैम और जॉर्जिया, वो थोड़ी खलती है बीच बीच में, क्योंकि बाकी किसी चीज़ से कुछ अटैचमेंट ही नहीं होती है किसी भी चीज़ से, और इन दोनों का भी कैरेक्टर सर्वाइवल में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि बियॉन्ड देयर ओन रिलेशनशिप, देयर फिगरिंग आउट टू बी अ कपल और नॉट, उसके अलावा कुछ और ज़्यादा जमता नहीं मेरे को, ऐसा लगा मुझे। और विजुअली अगर हम बात करें इसकी, तो ऐसा नहीं है कि वो टर्मिनेटर के जोन के अंदर है, क्योंकि जो यहाँ पर जो मुझे, अब फिर से मैं पर्सनल चॉइस बता रहा हूँ, कि मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके के रोबोट्स के रिप्रेजेंटेशन है, ये बड़े थोड़े जॉम्बी टाइप लगे मुझे,
वो मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आप देखो, फिगर आउट करो, फिर मैं और डिस्कशन करूँगा इसके ऊपर। कुछ क्लू नहीं देना चाह रहा हूँ, मतलब आई एम बीइंग वेरी कॉशियस इन टर्म्स ऑफ कि कोई स्पॉइलर ना चला जाए। बट ये काफ़ी सारी मूवीज है ना, आपको मिश्रण लगेगा, सर्वाइवल मूवी, टर्मिनेटर, देन सम सेंटिमेंटल मूवीज अबाउट मदर एंड चाइल्ड बॉन्ड, लव स्टोरी, काफ़ी चीज़ों का मिक्स कर दिया है इन्होंने। और मिक्स करने के बाद, इतना कुछ मिक्स करने के बाद भी थोड़ी आपको स्लो वाली फीलिंग आती है कि थोड़ी स्लो रह गई ये मूवी, वो प्रॉब्लम है। बट एनीवेज, लेट्स मीट अगेन वेरी वेरी सून विद अनदर व्यू, अनदर अपडेट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।